हाय फूडीज, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेस्टो सॉस वाले पास्ता की रेसिपी। पर पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। इटालियन पेस्टो सॉस के लिए हमें चाहिए 3 मुट्ठी भर बेसिल, यानी कि तुलसी, जो कि मैंने ये फर्म है इन ग्रीन्स मोहाली से, इससे मैंने ये इटालियन बेसिल मंगवाई है। तो उसके साथ इसमें नमक डलेगा 1/2 टीस्पून, 3 टेबलस्पून बादाम, 7 से 8 तुरियां लहसुन की, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 4 टेबलस्पून ये पार्मेसन चीज़ और 6 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। सबसे पहले हम ये गार्लिक को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी थोड़ा एनहांस हो जाए उस पेस्टो सॉस में जाने के बाद। तो 3-4 मिनट भूनने के बाद ही आप देख सकते हैं ब्राउन मार्क्स आ गए हुए हैं इसके ऊपर, तो ये भुन गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। हम बादाम को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें से भी जब थोड़ी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाए, हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। तो बड़ा अच्छा सा टोस्टेड फ्लेवर हमारी पेस्टो सॉस में आएगा इसका। तो बादाम भी टोस्ट हो गया हुआ है, तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और पेस्टो सॉस बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो बेसिल लीव सारे ब्लेंडर में डाल दिए गए हैं, उसके साथ ये जो गार्लिक हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था वो डाल दिया है। फिर आप ये टोस्टेड बादाम डाल दीजिए, उसके बाद नमक आपके स्वाद अनुसार, उसके बाद हम ये चीज़ जो है पार्मेसन चीज़ ये डाल देंगे, और फिर हमने इसमें जो लेमन है वो डाल देते हैं, और इसके साथ हमने इसको बंद करके चला देना। देखिए पेस्टो सॉस बनके तैयार है, तो इसको आप अपने बाउल में डाल लीजिए। अब ये पेस्टो सॉस जो है आप कोई इसको एज ए डिप भी यूज़ कर सकते हैं, क्रैकर के साथ और डोरिटोस उसके साथ, या फिर सैंडविच में भी लगा के खा सकते हैं। तो ये बड़ी रिफ्रेशिंग सा एक डिप बनके तैयार है। तो जो पेस्टो सॉस बनाई है वो आज हम स्पेगेटी के साथ खाएँगे। तो इसको रेडीमेड स्पेगेटी को हम बॉयल कर रहे हैं, और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तब इसको ड्रेन करके इसमें पेस्टो सॉस को मिक्स कर देंगे। सो स्पेगेटी को ड्रेन कर लिया गया है, अब हम इसको कंटेनर में डाल देंगे और इसके ऊपर पेस्टो सॉस को डाल देंगे। सो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो और लीजिए आपके पेस्टो सॉस वाली स्पेगेटी बनके तैयार। तो इसको आप प्लेट में अच्छी तरह से सर्व कीजिए, ऊपर से पार्मेसन चीज थोड़ा स्प्रिंकल करें, थोड़ा मिंट या धनिया पत्ती लगा के इसको सर्व करें।